इस वीडियो में डिस्कस करना वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो पब्लिश किया गया था वो 1945 में किया गया था, ठीक है। तो जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हुआ करते थे, मतलब उनकी पावर बहुत ही कम होती थी। जो भी कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत बड़े रूम में रखे जाते थे और किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए प्रोग्राम किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल एडिशन करना है तो एडिशन के लिए ही यूज़ कर सकता हूँ, दूसरे पर्पज से उसको यूज़ नहीं कर सकता। मतलब जनरल पर्पज़ कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, ठीक है। सपोज मुझे सब्सट्रैक्शन करना है तो मुझे उसकी वायरिंग चेंज करना पड़ेगी। जो कंप्यूटर्स होते थे वो हार्ड वायर्ड होते थे, ठीक है। तो हार्ड वायर्ड कंप्यूटर्स किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए होते थे, जनरल पर्पज़ के लिए नहीं होते थे। ये तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ने तब एक लॉजिकल आर्किटेक्चर प्रपोज किया था कि ये आर्किटेक्चर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उस आर्किटेक्चर को यहाँ पर बनाता हूँ। इनपुट यूनिट, सीपीयू, मेमोरी यूनिट, सीपीयू के अंदर जो होता था अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता था, नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट होता था और कुछ रजिस्टर्स होते थे, ठीक है। तो तीन चीजें इसके अंदर सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको अभी प्रोसेसर भी बोलते हैं और इस जमाने में माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तब माइक्रो प्रोसेसर नहीं हुआ करते थे, उसको सिर्फ सीपीयू बोलते थे या प्रोसेसिंग यूनिट बोलते थे, ठीक है। सो इसके अंदर एएलयू अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट जो कि कंट्रोल करने का काम करती है जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, और नेक्स्ट होते हैं रजिस्टर्स, जो भी रिजल्ट होता था उनको स्टोर करने के लिए छोटे छोटे मेमोरी डिवाइसेस यूज करते हैं अपन, इनको बोलते हैं रजिस्टर्स। तो इन तीनों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और मेमोरी यूनिट कोई किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे। तो मेमोरी उस टाइम पर सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पर सिर्फ मेमोरी होती थी जो कि स्टोर करने का काम करती थी, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा आउटपुट डिवाइस। तो ये सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर प्रपोज किया था वॉन न्यूमन में। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्किटेक्चर आए थे, फॉर एग्जाम्पल हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर भी थोड़ा वॉन न्यूमन से कॉम्प्लेक्स था, इसलिए उसको ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का यूज़ जो है वो आज के कंप्यूटर्स में भी बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हो कि जो ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम होता है सभी कंप्यूटर्स का, करीब करीब ऐसा ही होता है। उस टाइम पर जो प्रपोज किया गया था लॉजिकल या थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर, वही आज भी बहुत सारे कंप्यूटर्स में फॉलो होता है। इसलिए वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को अपन आज भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन डिस्कस करते हैं। सो जब क्वेश्चन आता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है, तो अपन इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इसके बाद में इनपुट डिवाइसेस जो जो भी होते हैं तब यूज़ नहीं होते थे, बट आज के टाइम पर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जहाँ भी फॉलो होता है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस में कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं और उनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन। ALU का क्या फंक्शन है, कंट्रोल यूनिट के क्या फंक्शन है, रजिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन, मेमोरी यूनिट क्या होती है और प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी इसमें नहीं होती थी बट अपने को एक्सप्लेन करना रहेगा, क्योंकि जो आज के कंप्यूटर है उनमें सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पर बेस्ट जो आज के कंप्यूटर है उनको एक्सप्लेन करना है अपने को क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन, तो इन टॉपिक्स को मैं इंडिविजुअल कवर जरूर करूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें हिट एजुकेशन को। अगर वीडियो लाइक आया आपको तो लाइक भी करें। थैंक यू।